वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने सहायता पैकेज की घोषणा की। पटना 23 मार्च 2020। आज एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण की गंभीर स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे, जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा तथा मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सहित वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में लॉकडाउन की परिप्रेक्ष्य में लोगों को सहायता पैकेज देने के संबंध में निम्न निर्णय लिए गए, जिसमें पहला है, राशन कार्ड धारक परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। दूसरा, सभी प्रकार के पेंशनधारियों, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन को अगले 3 माह की पेंशन अग्रिम तौर पर तत्काल दी जाएगी। यह राशि उनके खाते में सीधे अंतरित की जाएगी DBT के माध्यम से। तीसरा है, लॉकडाउन क्षेत्र के सभी नगर निकाय क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालय की पंचायत में अवस्थित सभी राशन कार्डधारी परिवारों को ₹1,000 प्रति परिवार दिया जाएगा। यह राशि DBT के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की जाएगी। चौथा, वर्ग 1 से 12वीं के सभी छात्र छात्राओं को देय छात्रवृत्ति 31 मार्च 2020 तक उनके खाते में डायरेक्ट दे दी जाएगी। पांचवा, आपको बता दें, सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अनुरोध करते हुए कहा कि लॉकडाउन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सलाह का अनुपालन करें, आपके सहयोग से इस महामारी से निपटने में सफलता मिलेगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वासिम्पल चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करना न भूलिए, ताकि आने वाले खबर का जानकारी आपको मिल सके तुरंत।